अजमेर में लावारिस अवस्था में मिले एक अनाथ बच्चे का उपचार संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में शिशु रोग विभाग में जारी है। लगभग डेढ़ माह से ये बच्चा अस्पताल में उपचार ले रहा है। अस्पताल प्रशासन द्वारा लावारिस बच्चे की सेवा में किसी तरह की कोई कौर कसर नहीं है। अस्पताल प्रबंधन इस मासूम जान को बचाने के लिए हर संभव का प्रयास कर रहा है। इसके चलते अस्पताल प्रशासन की ओर से इस बच्चे की सेवा के लिए अस्पताल कर्मी और एक गार्ड की ड्यूटी भी लगाई गई है। मिला था गांधी भवन चौराहे के पास लावा सिटी में, और कल लगभग डेढ़ महीना होने को जा रहा है, यह हमारे पास भर्ती है। काफ़ी बुरी अवस्था में ये आया था, बेहोशी की अवस्था में था, इसको दौरे आ रहे थे, तो यहाँ सारा इसका इन्वेस्टिगेशन हो गया। सिटी स्कैन की सारी जांच होने के बाद इसको दवाएँ शुरू की है। एक महीने से इसके दौरे वगैरह सब कंट्रोल है, और हमने अधीक्षक के थ्रू चाइल्ड वेलफेयर पर उनको उसके ऑफिशियली भी इन्फॉर्म किया, और कई बार मौखिक रूप से टेलीफोनिक से भी उसको इन्फॉर्म किया, क्योंकि एक छोटा लाव जो बच्चे थे, ये एक बच्ची ना, तो उसको शिफ्ट किया, तब भी वो लोग आए थे, जब उनके ऑफिशियल्स आए थे तब भी उनको व्यक्तिगत रूप से बताया कि इस बच्चे को भी शिफ्ट करने उपयुक्त जगह, अगर यहाँ के शिशु गृह में नहीं है तो वो उनका शायद पहले भी एक ऐसा बच्चा था, उन्होंने जयपुर के विशेष शिशु गृह में स्थानांतरित किया था, पर जहाँ भी इसकी उपयुक्त जगह हो वहाँ पे इसको स्थानांतरित किया जाए। अभी वापस हमारे पास कली अधीक्षक महोदय के द्वारा हमारे पास चिट्ठी आई है कि उनको वापस इनको स्मरण करा दिया गया है कि इसको जहाँ भी उपयुक्त जगह शिफ्ट करा जाए, जब तक हमारे यहाँ की जो अस्पताल प्रशासन द्वारा दी हुई है, पुलिस चौकी के द्वारा जो गार्ड नियुक्त है वही लगातार इसकी देख रेख, हमारे नर्सिंग कर्मी और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स यही देख रेख करते आए हैं। यहाँ पे कोई भी चाइल्ड वेलफेयर वाला अभी तक इसकी केयर में पिछले डेढ़ महीने में तो मैंने तो नहीं देखा, ना मेरी जानकारी में है। तो चाहते हैं कि इस बच्चे के लिए जो भी उपयुक्त जगह है जिससे कि इसकी आगे का देखभाल और मैनेजमेंट हो सके। इस दौरान कोई भी इनका परिजन भी कभी कोई नहीं आया कि जिसने आके बताया कि भाई ये हमारा बच्चा है गलती से जिसे पहुँच उठ गया, पर ऐसा लगता भी नहीं। इसकी अवस्था देख के लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माँ बापों ने अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इस बच्चे को बीच चौराहे पर पटक दिया। और ये सारा सर अभी तक क्या कंडीशन है इसकी? अब कंडीशन बच्चा ये है कि इसको खिलाओ पिलाओ, ये अपना जो इंटरनल और एक्सटर्नल नीड्स वो है वो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो गहरा इस पर मानसिक रूप से बच्चा काफ़ी कह सकते हैं कि विकलांग है, मानसिक रूप से मंदबुद्धि है, तो इसकी सारी को इसको कंटिन्यूस एक पर्सन चाहिए इसकी देखभाल करने के लिए, जैसे इसको फीड करने के लिए, इसको मोशन यूरिन की इसकी जो नीड है और दूसरी देखभाल है उन सब के लिए, ये अपनी नीड्स बता नहीं पाता, और दवा देने के लिए दौरे की दवा जैसे एक आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल ये अभी अपनी इतनी बात हो रही इतनी लो है तो इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, जस्ट वेकेंट आई टू आई लुक होता है इसका, पर इससे नहीं होता, ये कुछ भी अपना बता नहीं पाता। थैंक यू।